हेलो दोस्तों, अगर आपके भी कूलर की मोटर ख़राब हो गई है, 3 वायर वाली मोटर है, आप लगाना चाहते हो 4 वायर वाली मोटर, तो कैसे लगाओगे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लोगों को बिना स्किप के देखना है। ये मोटर मेरी पुरानी है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक न्यू मोटर लेके आया हूँ। इसके अंदर 4 वायर वाली ये मोटर है। तो इस मोटर के जो कनेक्शन है वो कैसे किए जाते हैं, इसमें एक जो हमारी जो मेन लीड होती है उसका एक वायर होता है, जो इसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल के साथ में हमें इसे वैल्यू वायर को ही कनेक्शन करना है। गाइस क्या होता है, हम रेड और ब्लैक के अनुसार इसे कर देते हैं, लेकिन वो सबसे गलत हो जाता है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ब्लू वायर मोटर का कॉमन होता है, तो इसका कनेक्शन कर दिया। अब हमारे पास 3 वायर बच गए। अब इनके कनेक्शन कैसे करने हैं, देखिए गाइस। तो ये होता है ब्लैक वायर, ये होता है हाई स्पीड का, तो इसे हम एक स्विच के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जिससे हाई स्पीड के अंदर मोटर चल पाएगी। और बाकी के कनेक्शन कैसे करने हैं बस देखते जाइए, आप बारीकी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसके कनेक्शन में कैसे कर। येलो वायर होता है, ये मीडियम स्पीड के लिए होता है, तो हम इसे मीडियम स्पीड के लिए कर देते हैं। तो ये कनेक्शन हो गई। अब हमने रेड वायर क्यों नहीं लगाया गया, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो एक लो स्पीड का होता है और हमें लो स्पीड में कूलर नहीं चलाना है, तो उसको मैंने ऐसे ही अटैच करके छोड़ दिया। अगर चलाना चाहते हो तो एक स्विच हमें लगाना होगा या रोटरी स्विच लगाना होगा। तो यहाँ पर सारे कनेक्शन हो गए, अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस देखिए, मैंने इसे ऑन कर देखा, आपने लापरवाही का नतीजा।